और वहीं जबलपुर में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। नॉर्वे से आई मां बेटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि दोनों को घर में ही आइसोलेट किया गया। वेरिएंट जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद वेरिएंट का पता चलेगा। इसके पहले केरल में JN.1 वेरिएंट मिल चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक माँ और बेटी जो कि हाल ही में नॉर्वे से आई और कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बता दें कि JN.1 का पहला केस जो कि अमेरिका में सामने आया था, उसके बाद भारत में कई जगहों पर JN.1 के केस सामने आ रहे हैं। ये कोविड का सब वेरिएंट है और ये केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने गाइडलाइन जारी की है। जो कोविड की गाइडलाइन थी वही फॉलो करनी है। फिर से सभी दवाइयां हमने यहाँ उपलब्ध कराई हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, पलंग पर्याप्त मात्रा में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जाँच जो है कोविड की वो भी लगातार हो रही है मेडिकल कॉलेज की लैब में। घबराने की कोई बात नहीं है, केवल कोविड की गाइडलाइन का पालन सभी को करना है जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। ये वेरिएंट जो है J.N.1 ये वेरिएंट बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुमार इंदर, एक तरफ नए साल का आगाज होने जा रहा है बस कुछ ही दिनों में, लेकिन जाते जाते ये साल चिंता बढ़ाते हुए जा रहा है क्योंकि केस लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। सही सवाल आपने उठाया कि ये साल जो है वो जाते जाते क्या संदेश देना चाह रहा है, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन चिंता जरूर बढ़ गई है। जिस तरह से नॉर्वे से माँ बेटी आई है वो कोरोना पॉजिटिव मिली है दोनों की, फिलहाल उसी के घर में आइसोलेटेड कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की ताकीद भी दी गई है। साथ ही इनकी जो कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड भी यहाँ पर अस्पताल जो है स्वास्थ्य विभाग निकालेगा कि किनके कनेक्टिंग में ये आए हैं, तो उनके हिसाब से यदि शहर में किसी के कनेक्शन में आए हैं तो उनके भी जरूरत पड़ने पर आगे जो है वो सैंपलिंग की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है कि इस वेरिएंट का जो है वो पता नहीं चला है कि उस जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। यदि ये N1.1 यदि ये निकलता है तो ये कह सकते हैं कि केरल के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य होगा देश में जहाँ पर ये कोरोना ये वाला सिम्टम्स जो है वो निकलता है। खैर वो एक अभी उसमें समय लगेगा, ये कह सकते हैं कि वो 8 से 10 दिन की प्रक्रिया है जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की, क्योंकि यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जो प्रावधान यहाँ पर नहीं है उसके लिए भोपाल या बाहर दूसरी जगह लैब में उसको भेजा जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि वेरिएंट जो केरल में मिला है वही है कि नहीं। यदि वो है तो ये भी एक चिंताजनक बात है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि हमारे तरफ से जो तैयारी होती है कोरोना को लेकर वो सारी तैयारियां हमने तरफ कर ली है। 2 बार हमने इस कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग मॉक ड्रिल भी कर चुका है। अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात की जा रही है। अब वो व्यवस्था सब खराब होगी तब देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य विभाग जो दावे कर रहे हैं वाकई में व्यवस्था है या नहीं। लेकिन ये नॉर्वे से मरीज आए ये थे चिंता बढ़ाने वाला। आपको एक पीठ और मैं बताता यहाँ पर चलूँ, जब मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोरोना का केस आया था तो वो भी जबलपुर में ही आया था, क्योंकि यहाँ की एक सुनार फैमिली है जो बाहर से अमेरिका से आई थी, कोरोना पॉजिटिव होकर आई थी। पहला केस मध्य प्रदेश का जबलपुर से ही निकला था। यदि ये जो नॉर्वे से फैमिली आती है जिस नए वेरिएंट की बात होती है जो निकलता है हिसाब से भी पहला वेरिएंट कह सकते हैं कि फिर जबलपुर में। ठीक है कुमार इंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केस बढ़ रहे हैं, हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, ये पता चलने में अभी थोड़ा समय है कि कौन सा वेरिएंट है। हालांकि वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इंदौर में कोरोना का केस सामने आया। बता दें कि 2 नए मामले सामने आए, 2 नए मरीज मालदीव से भारत आए थे। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। एक तरफ जबलपुर में नॉर्वे से मां और बेटी आए तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि मालदीव से भारत लौटे थे 2 युवक जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और भारत में भी एक तरफ सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, वहीं इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए। एक तरफ जबलपुर में कोरोना का कहर, नॉर्वे से आई मां और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दोनों को घर में ही आइसोलेट किया गया, क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में मालदीव से आए
दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस दौरान यहां पर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।